माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नौ दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवे दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का या सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत की ओर ले जाते हैं। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा लधिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व सर्व काम वायिष्ठता दूर श्रवण पराकामा प्रवेश वाक सिद्ध अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नौ विधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी इच्छा अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करने का नियम है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के नौवे दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नौ दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवे दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वो सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का या सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत की ओर ले जाते हैं। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा लधिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईशित्व सर्व काम वायिष्ठता दूर श्रवण पराकामा प्रवेश वाक सिद्ध अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नौ विधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप ना कर सके तो अपनी इच्छा अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है।
माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करने का नियम है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए।